होशियार बनो, समझदार बनो, होशियार बनो, समझदार बनो। आज नया कुछ समझ के भैया, अब तुम जिम्मेदार बनो भैया, अब तुम जिम्मेदार बनो। ये है चाचा समझदार, घर में है सबसे होशियार, घर को ये अच्छे से चलाते, जितना कमाते उसमें बचाते, सूझबूझ इनकी पहचान, समझदारी में इनकी शान। तो अगर आप सबको भी मेरी तरह चिंता मुक्त जीवन जीना है तो समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। अपनी पूंजी को ठीक तरह से उपयोग में लाएं और बचत पर ध्यान लगाएं। तो आज आप सब जानेंगे कि कैसे बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं की मदद से आप अपने जीवन को आसान और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो अब होशियार बनो, समझदार बनो। बात करेंगे उस धन की, मेहनत से तुम जो कमाते हो, मेहनत से तुम जो कमाते हो, इधर उधर ना खो जाए, उसे कहाँ कहाँ रखवाते हो, अजी कहाँ कहाँ रखवाते हो। चावल का डब्बा, आटे का कनस्तर, गद्दे के नीचे, कभी पलंग के पीछे। छोड़ दो अब ये आंख मिचोली, बोलो अब समझदार की बोली। तो बस बैंक में जाओ, खाता खुलवाओ और अपना पैसा वहाँ जमा कराओ, धन को अपनी सुरक्षा दिलवाओ और चिंता से तुम अब मुक्ति पाओ। होशियार बनो, समझदार बनो, होशियार बनो, समझदार बनो। आज नया कुछ समझ के भैया, अब तुम जिम्मेदार बनो भाई, अब तुम जिम्मेदार बनो। कहाँ गए? ओफो, फिर से खो गए पैसे। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे चाचा, हर दूसरे दिन पैसे खो जाते हैं। कल ही चावल के डिब्बे में रखे थे, आज मिल नहीं रहे। तो घर में पैसों को ऐसे रखने की जगह बैंक में क्यों नहीं रखते भैया, जहां वो सुरक्षित भी रहेंगे और तुम चिंता से मुक्त रहोगे। चाचा, ये बैंक क्या होता है और कैसे जमा कराते हैं वहाँ पैसा? बैंक एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जहाँ कोई भी अपना पैसा जमा करा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से निकाल भी सकता है। बस यही नहीं, बल्कि बैंक आपको जमा किए हुए पैसों का ब्याज भी देता है। बस बैंक में जाओ और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेजों की मदद से बैंक को अपनी पहचान यानी KYC कराओ और आसानी से अपना बैंक खाता खुलवाओ। पढ़ते जा तू, पढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1,00,000 के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। पढ़ते जा तू, पढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। और वैसे भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तो खाता खुलवाना और भी आसान हो गया। अब तक खाता खुलवाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन जन धन योजना की मदद से जीरो बैलेंस पर किसी भी सरकारी बैंक में कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है। अरे वाह चाचा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं आज ही बैंक जाकर अपना खाता खुलवाता हूँ। पर क्या और कुछ भी है जो मेरे लिए जानना जरूरी है? हाँ कमल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैंक में कितने तरह के खाते होते हैं और वो किस तरह से हमारे पैसों की सुरक्षा करते हैं और साथ ही साथ फायदा भी देते हैं। अगर आप रोज का लेन देन और बचत करना चाहते हैं तो बैंक में सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता खुलवाइए। इससे आप आसानी से अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं और बैंक की तरफ से मिलने वाले ब्याज का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप जॉइंट अकाउंट यानी संयुक्त बचत खाता भी खुलवा सकते हैं, जिसमें आप अपने अलावा अपने परिवार वालों को भी उस खाते का मालिक बना सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपको डिपॉजिट अकाउंट यानी जमा खाता खोलने का भी विकल्प देता है। बैंक में दो तरह के जमा खाते होते हैं, पहला
रेकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा खाता, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कम से कम 6 महीनों के लिए जमा कर सकते हैं। इससे आपको बचत करने की आदत भी रहेगी और साथ में आप अच्छे ब्याज दर के लिए निवेश भी करेंगे। और दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा खाता, जिसमें आप एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रकम बैंक में जमा करा सकते हो। ये सुविधा उनके लिए बहुत लाभदायक है जो एक लंबे समय के लिए अपने पैसों को निवेश करना चाहते हैं और किसी बहुत जरूरी काम के लिए ही उनका उपयोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ बैंक आपको आपके पैसों का अच्छा ब्याज भी देता है। और कमल भैया, इतनी प्यारी बेटी है तुम्हारी, बेटी के भविष्य के लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? जैसे कि क्या चाची? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक और पोस्ट ऑफिस में 10 साल तक की बेटियों का खाता खुलता है, जिसमें साल के 1,000 रुपए देकर तुम अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए बचत कर सकते हो। और तो और, सरकार इस योजना के अंतर्गत आपकी बचत पर मिले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगाती, बल्कि भविष्य में टैक्स का लाभ भी मिलता है। तो अपनी बेटी को आसान और खुशहाल भविष्य का आशीर्वाद दो और आज ही प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी का खाता खुलवाओ। अरे वाह चाची, इतनी काम की बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, तुम अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सिर्फ 210 रुपए महीना देकर अपने बुढ़ापे को आज ही सुरक्षित और जीवन भर के लिए अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हो। अरे अरे अरे, ऐसे बूढ़े लोगों को कहां से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना, तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या ये आप ही आए 40 साल के बाद? किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। आइए आइए बैठिए, देखिए, टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना, उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 5,000? जी हाँ। तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए और सरकार की गारंटी है इसमें। या और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से, उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। चलता हूँ, नमस्कार। चाचा लेकिन एक दिक्कत है, बैंक तो गांव से काफी दूर है, तो वहाँ जाने आने में परेशानी तो होगी। तो भैया एक बार जान लो, जो भी सुविधाएं मैंने तुम्हें अभी बैंक के बारे में बताई हैं, वो सारी सुविधाएं गांव के डाकघर में भी उपलब्ध हैं। डाकघर में जाकर भी आप बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता आदि खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी योजनाएं जैसे कि किसान विकास पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। और बस यही नहीं कमल, तुम पैसे निकालने के लिए भी डाकघर की बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हो। इसे डाकघर पेमेंट बैंकिंग भी कहते हैं। तुम बस अपने घर पर आराम से बैठो, डाकिया तुम्हारे पास खुद आकर पैसे देकर जाएगा। तो डाकघर पेमेंट बैंकिंग से पैसे का लेन देन होगा सफल और जीवन बनेगा सुगम और सरल। पटेल भाई। अरे डाकिया भैया, ये लो बहन तुम्हारी चिट्ठी। अरे वाह, मुबारक हो, लगता है बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। भैया अभी कुछ महीने बाकी हैं, कुछ दिनों से पोस्ट ऑफिस आकर खाता खुलवाने का सोच रहे थे, वो आने वाले बच्चे की पढ़ाई की अभी से तैयारी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पोस्ट ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर आपका अकाउंट खोल देता हूँ। वो कैसे? बस आपकी उंगली के छाप और आधार कार्ड की ज़रूरत है, डिटेल दे दीजिए, अभी मैं अकाउंट खोल देता हूँ। अच्छा, ओ भैया वो कागज़ की रसीद? बिल्कुल इसी वक्त, और साथ के साथ SMS भी मिल जाएंगे। आधार कार्ड दीजिए। जी भैया। यहाँ बीच में ना उंगली के छाप दीजिए। बस बस बस, ये लीजिए आपकी रसीद, आपका खाता खुल गया। जी भैया धन्यवाद। अच्छा, राम राम। राम राम। राम राम अन्ना साहब। राम राम बेटा। राम। और सब बढ़िया? सब बढ़िया बेटा। मेरे पैसे लाए? बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे।
और ये रहे रिसिप्ट। बस मेरे फोन पर आप भी एक बार कंफर्म कर दीजिए, ये लीजिए। लो बेटा। अच्छा चलता हूँ ना साहब। बेटा मेरा बिजली का बिल जमा करना था। वो अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना आपका बिजली का बिल जमा करने के लिए। और भी कोई काम हो तो बताइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे आने से सारे झंझट दूर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, राम राम ना साहब। राम राम। 200 अम्मा को और 100 रुपया पप्पू को। श्याम भाई। हाँ। मनरेगा के पैसे जमा हो गए। मालूम है मालूम है। मालूम है तो बैंक नहीं चलना है क्या? ऐसे ही मस्ती में चलोगे तो बस भी छूट जाएगी, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। चलो यार चलो। अरे भाई बैंक कौन जाएगा, मैं तो 100 मीटर दूर पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। मनरेगा के पैसे अब सीधा मेरा IPPB के खाते में जमा होते हैं। इसका मतलब हर महीने का भाग दौड़ बंद। भाई मेरे लिए तो बंद, लेकिन तुम्हारी बस आ गई, जाओ भागो। वाह चाचा, आपने तो पैसों की सारी समस्या हल ही कर दी आज। और तो और, बैंकिंग तुम्हें साहूकारों की दादागिरी और शर्तों से भी बचाता है। तो अब कर्ज लेने के लिए साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं है। बैंक का दरवाजा खटखटाओ और बहुत ही आसान ब्याज दर पर कर्ज पाओ। तो बस अब तुम भी समझदारी से काम लेकर बैंकिंग को अपनाओ और जीवन को आसान बनाओ। अरे भोला, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो भाई? अरे क्या बताऊं चाचा, बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है मेरे भाई। बात तो अच्छी है चाचा, लेकिन कॉलेज दूर है तो बेटा बाइक खरीदने को कह रहा है। अब आप ही बताओ कहां से लाऊं इतने पैसे एक साथ। अरे भोला तू भी बहुत भोला है। अरे तू बैंक से वाहन ऋण यानी व्हीकल लोन क्यों नहीं ले लेता? इससे तुझे एक बार में सारे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आसान मासिक किश्तों में चुकाने का अवसर मिल जाएगा। चाचा क्या ऐसा भी कोई ऋण होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ भोला, और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हें किसी और कारण से भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक से तुम आसानी से व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन भी ले सकते हो। क्या बात है चाचा, आपने तो सच में आज आंखें खोल दी मेरी और मुझे साहूकार के चंगुल में फंसने से भी बचा लिया। मैं आज ही बैंक में ऋण के लिए आवेदन करता हूँ। और तो और, सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लघु उद्योगों को आसानी से ऋण देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। मुद्रा इन मध्यस्थ स्थानों के जरिए अलग अलग विस्तारों में जाकर हमारी छोटी इकाइयों के नाम, काम और जरूरतों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। मुद्रा इन मध्यस्थ संस्थानों को कम दरों पर पैसा देगी ताकि वे लोगों को भी कम ब्याज दरों पर लोन्स दे सकें। इस ढांचे के अनुसार मुद्रा 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन्स देगी, 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत। बहुत ही छोटे स्तर के इकाइयों के लिए 50,000 तक की लोन दी जाएगी। उनसे थोड़े बड़े स्तर के लिए 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाएगी और लगभग उनसे भी बड़े स्तर वाली इकाइयों के लिए 5 से 10 लाख तक की लोन दी जाएगी। पर चाचा, अगर मैं बैंक से किसी भी तरह का ऋण लूं और वापस ही ना करूं तो? प्यारे भोला, बस यही गलती मत करना। वैसे तो बैंक ऋण की किश्तें ही इतनी सुविधाजनक होती हैं कि तुम्हें वापस चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से भी ऋण न चुकाने का ख्याल आ जाए तो उसे वहीं निकाल देना। बैंक का ऋण वापस न चुकाना न केवल एक निंदनीय बात है बल्कि कानूनन अपराध भी है। ऐसा करने पर न तो तुम्हें जीवन में फिर कभी ऋण मिल पाएगा और साथ ही तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो समझदारी इसी बात में है कि बैंक का ऋण ठीक समय पर ठीक तरीके से वापस चुका दिया जाए। वक्त ये बदल रहा है, अब तुम भी बदल जाओ। वक्त ये बदल रहा है, अब तुम भी बदल जाओ। आसानी से अब सारी सुविधा का लाभ उठाओ, घर पर बैठे अब तो मुट्ठी में बैंक को पाओ। आओ हम सब मिलकर डिजिटल बने, डिजिटल बनाए, डिजिटल बने, डिजिटल बनाए, सारी
खुशियाँ एक पल में पाए, सारी खुशियाँ एक पल में पाए। वक्त ये बदल रहा है, अब तुम भी बदल जाओ। वक्त ये बदल रहा है, अब तुम डिजिटल अपनाओ। कहाँ जा रहे हो चाचा? बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। चाचा आप भी मेरी तरह बैंक जा रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो शहर जा रहा हूँ अपने बेटे से मिलने। लेकिन तुम बैंक क्यों जा रहे हो? चाचा अब महीने के लिए पैसे निकालने हैं और कुछ पैसे भाई को भी देकर आने हैं, तो बैंक तो जाना ही पड़ेगा ना पैसे निकालने के लिए। ओहो, तो उसके लिए बैंक जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये कि तुम बैंक रुपए कार्ड की मदद से किसी भी एटीएम में जाकर कभी भी पैसे निकाल सकते हो। अरे पैसे निकालने के लिए तुम्हें बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। चाचा क्या ये रुपए कार्ड कोई भी बनवा सकता है? और क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है? हाँ शंकर, कोई भी बैंक खाता धारक अपना रुपए कार्ड बनवा सकता है, और तुम सुरक्षा की चिंता तो करो ही मत। अरे वाह, पर चाचा इससे पैसे कैसे निकलते हैं? बहुत ही आसान है। तुम्हारे खाते से पैसे निकालने के लिए तुम्हें बैंक की तरफ से 4 अंकों की एक संख्या मिलेगी, जिसे पासवर्ड कहते हैं। बस तुम उस पासवर्ड को अपने तक गोपनीय ही रखना। एटीएम जाकर अपने रुपए कार्ड को मशीन में डालो और सामने दिख रहे विकल्पों और अपने पासवर्ड की मदद से जब चाहे आसानी से पैसे निकाल लो। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई चाचा। चाचा सच में कितना आसान हो गया ना पैसे निकालना। सब कुछ तो बैंक ही कर देता है, बस एक चीज है, पैसे देने तो मुझे भाई के पास जाना ही पड़ेगा। सच बताऊं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की मदद से तुम कभी भी कहीं भी और किसी को भी पैसे भेज सकते हो। अगर मोबाइल से पैसे भेजने हैं तो बस USSD और भीम जैसी सरकारी सुविधाओं की मदद से तुम सिर्फ कुछ ही पलों में आसानी से पैसे भेज सकते हो। तो अब ना बैंक आने जाने का झंझट और ना ही पैसे भेजने की चिंता, सब कुछ घर बैठे ही हो जाएगा। इस मोबाइल से आप सिर्फ बात कर सकते हैं? अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, मोबाइल अब आपका बैंक है, और वो भी आपकी जेब में रहने वाला बैंक। 10 से 2 बजे तक ही नहीं, इसका दरवाजा आपके लिए हर समय खुला रहता है। तो डिजिटल इंडिया की राह में एक और कदम देश के आम नागरिकों के लिए पेश है USSD सर्विस। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, न कोई परेशानी, उपयोग में आसानी, न इंटरनेट की जरूरत, न ही किसी तरह के कार्ड की। अब सारी ताकत आपके हाथ, बस होना चाहिए आपके हाथ में एक साधारण मोबाइल और बैंक में अपना खाता। बस एक बार बैंक जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपने खाते से लिंक करवाएं और फिर टाइप करें *99# और कीजिए प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का भुगतान। इस्तेमाल में आसान, आराम ही आराम। USSD। साथ ही साथ किसानों को साहूकार की शर्तों से मुक्त कराने के लिए बैंक किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देता है, जिससे बीज, खाद, कीटनाशक जैसी चीजों को खरीदने के लिए बैंक सुविधाजनक ब्याज दर पर पैसे भी देता है। सिर्फ 6,000 रुपए है माली। ठीक से गिनो। दो ही किसान कर्ज लिए हैं, तो ब्याज कहाँ से आएगा? किसी को बुला के पूछो यहाँ क्या चल रहा है। मालिक राम राम। मुनीम जी, हमारा हिसाब किताब आप सुनो। चंदू, इस बार बीज नहीं बोना है क्या? बोए है ना मालिक, बोए। पैसे कहाँ से आए? किसान क्रेडिट कार्ड से। ये क्या होता? बैंक से बनता है मालिक, इससे बीज खाद खरीदने, मजदूरी देने, कीटनाशक खरीदने के लिए बैंक से लोन मिल जाता है, वैसे ही जैसे हम लोग आप लोगों से कर्जा लेते थे। और क्या होता है इससे? फसल अगर खराब हो जाए
तो भुगतान करने के लिए और अधिक समय की मोहलत मिल जाती है। ब्याज ही बहुत कम है, समय पर भुगतान कर दिया तो सिर्फ 4% सालाना। तो सबका बन जाता है ये किसान क्रेडिट कार्ड? हाँ मालिक, इसके बनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, पास के बैंक में सारी जानकारी उपलब्ध है। मालिक अब हम जाएं? हाँ जाओ। सुनो हाँ। ये साथ में अपने मुनीम को भी लेते जाओ, मैं जब खाता बही का यहाँ कोई काम नहीं तो मुनीम क्या करेगा। चलो अब मुझे बस अड्डे छोड़कर आओ। चाचा आपकी जानकारी और बैंक की डिजिटल सुविधाएं दोनों ने ही मेरे लिए तो जीवन बहुत ही आसान बना दिया है। तभी तो कहता हूँ मैं कि तरक्की है समझदारी में। बिल्कुल सही कहा चाचा। अब बात करें उस जीवन की जो जिम्मेदारी हर जन की। ख्याल करो तुम अपनों का, अपनों के सारे सपनों का। हर जीवन की एक सीमा है, भविष्य सुरक्षित करने के लिए बीमा है। तो 100 बातों की है एक ही बात, जीवन को अपने दो बीमा का साथ। होशियार बनो समझदार बनो, होशियार बनो समझदार बनो। आज नया कुछ समझ के भैया, अब तुम जिम्मेदार बनो भाई, अब तुम जिम्मेदार बनो। अरे भोला बाबू, ये चोट कैसे लग गई? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं चाचा, बाइक पर बाजार जा रहा था मैं, रास्ते में एक बाइक वाले से टक्कर हो गई तो मेरी बाइक फिसल गई और मुझे चोट आ गई। ओहो, वक्त का भी पता नहीं कि कब क्या हो जाए। अरे भोला भैया, बीमा कराया है ना तुमने? बीमा? वो क्या है चाचा और क्या होता है उससे? देखो भोला, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं है, और भगवान ना करे अगर तुम्हें किसी दिन कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हर कोई अपना और अपनों का बीमा कराए। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें बीमा धारक को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रकम का बीमा कराना होता है, और बीमा धारक के चुने हुए किसी भी व्यक्ति को उसके गुजर जाने के बाद मुआवजा मिलने की गारंटी होती है। इससे कम से कम परिवार को जरूरत के वक्त पर पैसों की मदद मिल जाती है। इसको जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अलावा ये जरूरी है कि हर कोई अपने वाहन का भी बीमा कराए, ताकि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या चोरी हो जाने पर उसकी बीमा की रकम आपको वापस मिल जाए। इसको वाहन बीमा यानी व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। चाचा ये तो आपने बड़े काम की बात बताई। भोला, बीमा कराना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक समझदारी का काम है। जीवन बहुत कीमती है, कल का तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम बीमा की मदद से अपने और अपनों का भविष्य सरल जरूर बना सकते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी बेहतरीन बीमा योजनाएं चलाई हुई हैं, ताकि देश का हर एक इंसान इनका लाभ उठा सके और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सके। भैया कितना हुआ? 49। भैया जो जाओगे छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए सुनिए मैडम, एक मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए। 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। चलो जो, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो कैसे संभव होगा ये?
ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। इस योजना के तहत सिर्फ एक रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2,00,000 रुपए का जीवन बीमा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए अपने बैंक के पास और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसे पता कीजिए। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना 330 रुपया भरे। और फसल को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना भी उपलब्ध कराई है, ताकि किसी भी तरह से फसल में हो नुकसान तो मिलेगा उसका मुआवजा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा कि आपने मुझे बीमा जैसी बेहतरीन सुविधा के बारे में बताया। मेरी तो सारी चिंताएं ही दूर हो गई। मैं आज ही अपना और अपनी बाइक का बीमा कराता हूँ। तो आज आपने देखा कि कितनी सारी ऐसी सुविधाएं और योजनाएं हैं जो आपके और आपके अपनों के जीवन को बहुत ही आसान और खुशहाल बना सकती हैं। अब वक्त है कि आप भी बढ़ते भारत के समझदार और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में आगे आएं और इन सभी सुविधाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। इससे न केवल आपकी तरक्की होगी बल्कि देश भी आगे बढ़ेगा और आप बनेंगे इस देश की तरक्की के असली हीरो। जैसे कमल कुमार और भोला ने बढ़ चढ़कर सभी सरकारी सुविधाओं के बारे में जाना और उनको अपनाया, ठीक उसी तरह आप सब भी समझदारी के इस कदम को बढ़ाएं और जीवन में खुशहाली लाएं। तो असली समझदारी और जिम्मेदारी के इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बैंक में अपना और अपने परिवार के लोगों का खाता खुलवाइए और बचत के साथ साथ ब्याज का फायदा पाइए। आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता जैसी बैंकिंग सुविधाओं में निवेश करें और खुशियों से भरे जीवन में प्रवेश करें। अगर बैंक जाना है मुश्किल तो डाक घर में ही अपना खाता खुलवाइए और बैंकिंग की सारी सुविधाएं डाक घर में ही पाइए। अगर लेना हो कर्ज अपने लिए, वाहन के लिए, काम के लिए, घर के लिए या किसी भी दूसरे कारण के लिए, तो केवल बैंक का दरवाजा खटखटाओ और साहूकारों की दादागिरी से छुटकारा पाओ। और हाँ, लिए हुए कर्ज को ठीक तरह से ठीक समय पर लौटाओ, ताकि जीवन में कभी भी पड़े कर्ज की जरूरत तो बैंक से कर्ज मिल जाए फटाफट। पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जगह एटीएम कार्ड को उपयोग में लाओ और कभी भी आसानी से पैसे निकाल लाओ। यूएसएसडी भीम ऐप की मदद से डिजिटल बैंकिंग और सुविधाओं का लाभ उठाओ और किसी को भी पैसे भेजने के लिए कभी भी कहीं भी सिर्फ मोबाइल के उपयोग से पैसे भिजवाओ। अपने और अपनों के भविष्य को सुरक्षित और सरल बनाने का जिम्मा उठाओ। आज ही अपना और अपनों का बीमा करवाओ। न केवल अपना बल्कि अपने वाहन का, अपनी सेहत का और यहाँ तक कि अपनी फसल का बीमा आसानी से कराओ और चिंता से पूरी तरह से मुक्ति पाओ। सभी सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ उठाओ और जीवन में खुशहाली की गारंटी पाओ। तो बस अब इंतजार किस बात का, आज ही समझदारी और सूझबूझ की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। होशियार बनो, समझदार बनो, होशियार बनो, समझदार बनो, आज नया कुछ समझ के भैया अब तुम जिम्मेदार बनो।